नमस्कार। बिहार का लगातार सियासी पाला गर्म होता जा रहा है। इस दौरान लगातार आ रही बड़ी खबर के अनुसार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या एक हो जाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए, उन्नति के लिए या दोनों नेता एक साथ आए, तो वीडियो को लाइक कर समर्थन दर्ज बिल्कुल करना ना भूलिएगा। आप बताएंगे कि क्या है बड़ी खबर और बिहार के सियासत के अंदर से आने वाली सबसे जड़ की और महत्वपूर्ण खबर विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बिहार में कट रही बिजली की समस्या के समाधान के लिए सरकार के नए अपडेट के बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार क्यों कट रहा है बिजली और इसके पीछे का क्या है वजह। साथ साथ आज की बड़ी खबर बताएंगे, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को लेकर के एक बार फिर से नया आदेश जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर। अब बिहार में वापसी कब होगी, किस तरीके से होगी, इस पर भी चर्चा की जाने लगी है। बिहार में 132 साल पुराने जी हाँ गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, जानिए पीछे का वजह। लगातार बढ़ रही है गर्मी और इसके साथ लोगों की परेशानियां भी। साथ साथ बताएंगे बिहार में भी गरजने लगा बुलडोजर। बुलडोजर अब एक के बाद एक दूसरे जगहों पर गरजने लगा है, जिसके साथ लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार महंगाई विरोध किस चीज का किया जाए, सरकार खुलकर क्यों नहीं बताती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों से आज मुलाकात किया, सम्मेलन में हुए शामिल। इसके साथ आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के लगातार जो है वो इस बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता, जी हां दिल्ली के बाद पंजाब और अब तमाम राज्यों की बारी की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ चिराग पासवान और मुकेश सहनी एक साथ नजर आए, दोनों नेताओं के एक साथ नजर आने का मतलब हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव। देखिए क्या है बड़ी खबर, तो सभी खबरों को विस्तार से देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बड़ी खबर की शुरुआत तो इस वक्त की महत्वपूर्ण समाचार से कर लेते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि राजनीतिक चश्मे से अगर किसी भी चीज को आप देख रहे हैं तो यह सही नहीं है, इसलिए राजनीतिक चश्मों से आप तमाम चीजों को बिल्कुल भी ना देखें। और यह क्यों कहा गया, इसके पीछे का वजह क्या है, आपको सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कि देश के अंदर लगातार नीतीश कुमार के बगावती तेवर देखे गए हैं। कई बार राजद से सीधे जेडीयू में चले गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के सियासत में ना तो कोई बड़ा दोस्त और ना ही कोई बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए पार्टियां हेर फेर करके और सरकार का परिवर्तन बड़े ही आसानी के साथ कर देती हैं। क्योंकि आपको वह समय याद होगा जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े, चुनाव में जीत भी हुई, लेकिन जब तेजस्वी यादव पर किसी बात का आरोप लगा तो उस समय नीतीश कुमार ने किनारा करते हुए पार्टी से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सरकार का परिवर्तन कर दिए। इस दौरान सत्ता परिवर्तन देखा गया था, लेकिन अब सियासी पाला इस वजह से गर्म है क्योंकि दावते इफ्तार के तौर पर कई बार जी हाँ आपको बता दें कि दावते रखी गई, इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी तमाम नेता कई बार साथ आते दिखाई दिए। और साथ आने का मतलब भी कहा गया तेजस्वी यादव के तरफ से कि कोई भी राजनीतिक चश्मे से इस दुर्दृश्यों को ना देखा जाए, लेकिन अगर मैं कहूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है और सत्य है कि हम और वो नहीं आ रहे साथ। अगर ऐसे आप राजनीतिक आंखों से देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ना देखें, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। और आज तेजस्वी यादव ने बकायदा आनन फानन के अंदर राजद के तमाम बड़े नेताओं से, बड़े विधायकों से बातचीत भी की है, और इसमें क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। तेजस्वी यादव के अगर फैन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक बड़ी खबर बता दें, 100 करोड़ से ज़्यादा के लागत से आज बिहार में प्लांट स्थापित कर दिया गया है। बिहार में मक्के से अब सरकार द्वारा जी हाँ विधि द्वारा स्थापित इस बार युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, देश में बिहार को एक नया आवाम मिल सके, इसके लिए आज बिहार के अंदर बड़े बड़े चीज़ें देखी गई हैं। आज आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन और साथ ही साथ नीतीश कुमार पहुँचे थे 105 करोड़ के लागत से बनने वाला इथेनॉल प्लांट का, जी हाँ
एथलोन प्लांट का उद्घाटन किया दोनों नेताओं ने और बताया कि बिहार की उन्नति और विकास के रास्ते पर 105 करोड़ का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कितना बड़ा असर दिखाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि यह कितने ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। मक्के से इंथोन बनाने की बात शुरू हुई है और इससे इको फ्रेंडली चीज़ें भी बनेंगी। तो इन सामान चीज़ों से नीतीश कुमार रोजगार को स्थापित कर रहे हैं, रोजगार का बढ़ावा दे रहे हैं और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए नीतीश कुमार की खूब तारीफें भी की जा रही है। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 122 साल पुराने गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। गर्मी ने बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्से, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, इसके साथ साथ तमाम राज्यों के अंदर लगातार जो है वो गर्मी ने अपना नया जी हाँ रिकॉर्ड दर्ज कराया है। लेकिन इसके साथ ही आ रही बड़ी खबर के अनुसार गर्मी 122 साल पुराने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुकी है। मौसम विभाग की ओर से 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। जबरदस्त बारिश के आसार देखे जाएंगे। जी हाँ, कई जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर बारिश के आसार देखे जा सकते हैं, जिससे मौसम में नमी और ठंड का एक बड़ा प्रकोप देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी मौसम गर्म है और मौसम की गर्माहट के अंदर आप जब भी घरों से बाहर निकलें तो लू से बचने के लिए, क्योंकि लू बहुत खतरनाक होता है, इसलिए लू से बचने के लिए ग्लूकोज के पानी का सेवन अवश्य करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। तो ग्लूकोज के पानी का सेवन करने के लिए डॉक्टर भी बताते हैं। बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज बिहार आने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुंचे। लालू प्रसाद यादव के बिहार आने से पहले तैयारियां खूब संपन्न की गई थी। इसके साथ सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव 3 या 4 अप्रैल को आ सकते हैं। इसके पहले लालू प्रसाद यादव स्वस्थ नहीं होने के कारण नहीं आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में हमेशा से गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तकलीफें हो रही हैं। जिन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्हें फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार अभी आने में असमर्थ हैं। उनके तमाम समर्थक जो हैं वो लगातार जो है अब लालू प्रसाद यादव के आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लालू प्रसाद यादव आएंगे, उनसे मुलाकातें होगी और तमाम बातें जो हैं वो हो सकेंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी हुई नज़र आ रही है स्वास्थ्य को लेकर के। चलो दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त आपको बता दें कि जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार बोले किससे, हम आपसे ना बोले, हम सरकार से ना बोले तो फिर बोले किससे, आप बताते क्यों नहीं कि बेट को कम करने की आप बात तो कहते हैं गैर बीजेपी शासित इलाकों में, लेकिन आपने कितना बेट को कम किया, केंद्र सरकार ने कितने बेट को कम किया, ये भी तो बताना चाहिए आपको कि बेट आपने भी कितना कम किया है। इन सभी मामलों में राहुल गांधी जो है बोलते हुए नजर आए। पाम ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। एक बार फिर से थोक विक्रेताओं के साथ साथ एक लीटर वाले पाम ऑयल की कीमत यानी रिफाइंड ऑयल की कीमत, जी हाँ, आपको बता दें कि 10 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रसोई पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। पाम ऑयल की कीमत बढ़ने से लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी है, इसलिए लोगों ने सरकार से कई बड़े और महत्वपूर्ण अपील किए हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार इस पर महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। तो पाम ऑयल की कीमत बढ़ सकता है, इसकी उम्मीदें जताई जा रही है फिर से। अरे दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। वैसे सुपरस्टारों की ज़िंदगी जितनी ही सितारेदार होती है यानी जितनी ही रंगीन होती है, उतने ही ज़्यादा अगर आप तह तक जाएंगे तो इस इन सितारों की ज़िंदगियों में गुल खिले होते हैं। एक बार फिर से अपने आप को पावर स्टार और जी हाँ सुपरस्टार के तौर पर जी हाँ विकसित करने वाले अभिनेता पवन सिंह के ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। वह अपनी बीबी से तलाक के लिए जी हाँ आरा कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और इन मामलों में बताया जाता है कि लंबे समय से पवन सिंह जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वह बीबी के साथ संपर्क बनाना चाहते हैं और उन्हें पुत्र चाहिए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए वह अपनी बीबी से तलाक ले सकेंगे। क्योंकि ज्योतिष सिंह जो हैं वो लंबे समय से पवन सिंह से बहुत अलग हैं और इसलिए पवन सिंह काफ़ी बार परेशान भी दिखाई दिए हैं। तो पवन सिंह परेशानी से जूझते रहते हैं।
आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से बड़ा खबर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं, इस दौरान विदेशों के अंदर उन्हें तमाम प्रकार से मीटिंग होगी, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विदेशी नीतियों को मजबूत कर कई बार किए हुए हैं। ये देखा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा करते हैं तो विदेशी नीतियाँ जो है वो काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आती है। बेहद बड़ी खबर। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण शराबबंदी कानून वाले इस बिहार के अंदर शराबों का मिलना लाजमी है, लेकिन इसके साथ ही शराब को लेकर के सरकार का और स्ट्रिक्ट और महत्वपूर्ण कदम सामने आ रहा है। अब संपूर्ण शराबबंदी कानून को और सख्त करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, अपराध करने वाले लोगों पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए जो अवैध तरीकों से शराब बेच रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश लगातार जारी किया जा रहा है। बेहद बड़ी खबर। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर को बढ़ते हैं। कोयले की कमी के कारण बिजली की कटौती हो रही है, जिसके साथ लगातार जी हाँ कोयले की आपूर्ति के लिए लगातार तमाम राज्यों से और तमाम जगहों से कोयले मंगाए जा रहे हैं, जिसके साथ पावर प्लांट जो है वो चल सके, पावर प्लांट जो है वो ना चलने की वजह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मियों के बीच में बिजली का कटना लाजमी है और ये बिजली कटने की समस्या का समाधान अब सरकार कोयले को लेकर के करने में लगी हुई है। चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त महत्वपूर्ण समाचार निकलकर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार स्थापित की, किसी ने सोचा भी नहीं कि वह पंजाब में भी अपने मजबूत पार्टियों के दम पर सरकार बनाएंगे और उन्होंने वहां पर भी सरकार बनाई। इसके साथ ही वह बढ़ते रहे और आगे की ओर देखते रहे। इस दौरान आ रही बड़ी खबर के अनुसार अरविंद केजरीवाल का नज़र कर्नाटका पर है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश पर है। दोनों राज्यों में पार्टी मजबूत हो रही है, हालांकि गुजरात में भी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। बेहद बड़ी। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता जो हैं वो बड़ा बयान दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से जी हाँ लगातार आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ आने की बातें कही जा रही है, तो नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी का विलय करते हैं तभी वह राजद में आ सकेंगे, ऐसे नहीं आ सकते। जगदानंद सिंह के दिए गए बयान के बाद में अब सियासी पाले गर्म होने लगे हैं और जगदानंद सिंह से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास अब देश के तमाम हिस्सों में मिलने लगे हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा आवंटित किया जा चुका है। इसके साथ साथ कई जी हाँ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास के लिए काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं और लोगों को आवास दिया जाए इसकी भी लगातार वह खोज करते रहे कहते हैं। चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त मुख्य समाचार निकल कर सामने आ रही है कि जी हाँ आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात, एक बार फिर से चर्चा हुई देश के अंदर कैसे तोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी का कमर। कांग्रेस ने इस बात पर चर्चा करते हुए गुजरात की चुनाव के अंदर मात देने की तैयारियाँ शुरू कर दी है। दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ ITT न्यूज़ के लिए। दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट आज के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोले भारत माता की जय।